तो इस हॉलीवुड स्टार विन डीजल की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। उनके एक्स असिस्टेंट ने एक्टर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पीड़िता का नाम एस्टर जोनासन बताया जा रहा है। ये घटना साल 2010 की है, जब फास्ट फाइव की शूटिंग चल रही थी। उसी दौरान होटल के एक कमरे में पीड़िता का यौन उत्पीड़न किया गया था, पर नौकरी जाने के डर से पीड़िता ने अब तक चुप्पी बांध रखी थी। रिपोर्ट्स के अनुसार जोनासन को विन की कंपनी ने कई सारे कामों के लिए रखा हुआ था, इसमें सोशल इवेंट्स में डीजल के लिए इंतजाम करना और उनके साथ रहना, साथ ही विन के साथ इवेंट्स में जाना, ये सब के लिए उन्हें कहा गया था। जोनासन की फर्म ग्रीनबर्ग रॉस ने एक बयान में ये सारी बातें बताई। एक रात जब वो एक होटल के कमरे में थी, तभी विन ने उनके साथ बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी, यहाँ तक कि जोनासन बहुत ही ज़्यादा डर भी गई थी। आपको बता दें कि बॉलीवुड स्टार दीपिका पादुकोण हॉलीवुड स्टार विन डीजल के साथ फिल्म ट्रिपल एक्स में भी दिखाई दी थी। इस फिल्म को दर्शकों को ज़्यादा प्यार तो नहीं मिला था। उसके बाद दीपिका ने दोबारा से बॉलीवुड का रुख किया था। अब जल्द ही वो ऋतिक रोशन के साथ फिल्म फाइटर में नजर आएंगी, जिसे सिद्धार्थ आनंद ने डायरेक्ट किया है। ये फिल्म गणतंत्र दिवस के मौके पर 25 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। तो ये दोस्तों, विन डीजल के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्या उन्हें सजा मिलनी चाहिए या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर कमेंट करें। और साथ ही इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।